वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के कल होने वाले इजलास पर भी गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही खत्म करे, जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो ही पाक भारत मुज़ाकरात मुमकिन हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर डोजियर अक़वामे मुत्तहिदा को दे दिया है। तर्जुमान ने कहा कि गुजरे साल खारिजा महाज पर अहम कामयाबियाँ मिली हैं। अमरीका, चीन, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता समेत अहम ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। बॉर्डर सिक्योरिटी मामलों पर अफगान हुकाम से बातचीत जारी है। तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात बेनतीजा खत्म। पीटीआई का वफ्द इस्तीफों की एक साथ मंजूरी पर इसरार करता रहा। राजा परवेज अशरफ आईन और कवायद बताते रहे। असद कैसर ने कहा कि पीटीआई मुल्क में नए इलेक्शन चाहती है, इसीलिए इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं। स्पीकर ने पीटीआई वफ्द से कहा कि आपका जो भी सियासी मौकफ है ऐवान के अंदर आकर पेश करे। वफ्द ने राजा परवेज अशरफ से कहा कि वो इस मामले पर इमरान खान से हिदायत लेकर बताएंगे। के 22 सरकार का स्पीकर कौमी असेंबली से खुफिया राबितों का इंकशाफ। असेंबली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि 6 अरकान ने स्पीकर को बताया कि इन इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत जाली हैं। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली रजिस्टर में हाजिरी लगा चुके। नवाज इलाही, तालिब नकई ने स्पीकर को छुट्टी की दरख्वास्त भी दे रखी है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने वफ्द के साथ क्यों नहीं गए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने दोनों को लाहौर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को इस्तीफों पर वाज़ह मौक़िफ़ के लिए बुलाया है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश ना होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में वापसी का इंदिया भी दे चुके हैं। इज्तिमाही इस्तीफे कबूल करने से स्पीकर कौमी असम्बली के इनकार के बाद की हिकमत अमली पर गौर के लिए पीटीआई का अहम इजलास। इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत शरीक। स्पीकर राजा परवेज अशरफ वाज़ह कर चुके हैं कि इस्तीफे तभी कबूल होंगे जब एक एक कौमी असम्बली अकेला आएगा। पीटीआई क्या करे, गौर खौस जारी। इजलास में पंजाब असम्बली में परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर बातचीत। एतमाद के वोट के बाद असम्बली की तहलील की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में काफ लीग के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत की गई। नैब के हुक्म पर लाहौर की जिला इंतजामिया ने वजीर खजाना इसहाक़ डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। जिला इंतजामिया का कहना है कि इसहाक़ डार के गुलबर्ग में घर हजवेरी हाउस की सफरदारी करा दी है। इसहाक़ डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतजामिया को जारी किया है। इसहाक़ डार के अकाउंट में 50,79,48,000 रुपए बहाली का मरासला जारी किया गया। इमरान खान ने 140 पेशियों पर इल्तवा लिया, 4 साल बाद जवाब जमा कराया। ट्रायल कोर्ट का इमरान खान को हक दिफा से महरूम करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ ने हत्या की इज्जत का दावा दायर किया था। हक दिफा खत्म किए जाने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इमरान खान ने पैनमा के मामले पर जुबान बंद रखने के लिए शहबाज शरीफ पर रिश्वत की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपये हर जाने का दावा दायर किया था। पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति के मतनाज़े ट्वीट का केस, जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीन। केस का चालान अब तक अदालत में पेश ना हो सका। मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि आजम स्वाति के साथ जो सलूक हो रहा है वो काबिल मजम्मत है।
आजम स्वाति का जुर्म यह था कि उसने कहा कि NRO 2 बाजवा ने दिलवाया। MQM पाकिस्तान के धड़ों और PSP के मिलाप के लिए गवर्नर हाउस में राबता कमेटी की अहम बैठक। गवर्नर कामरान तिसोरी ने मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार से हुई मुलाकातों के बारे में ब्रीफ किया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत इजलास में इत्तेफाक किया गया कि MQM पाकिस्तान के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो पार्टी आइन कानून और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करे। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लैंडिंग भी नहीं करने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर देने से इनकार के बाद गवर्नर KP का गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान। कहा वजीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में नहीं उतर सकेगा। वजीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को जाती हेलीकॉप्टर बना दिया है। जाती हेलीकॉप्टर के लिए वजीर आला अपने घर में बंदोबस्त करें। हुकूमत पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाज़त होगी। गवर्नर गुलाम अली ने सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा था लेकिन उन्हें इनकार किया गया था। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेरे सदारत MCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर सेहत ने कहा कि तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, मुतासरा लोगों के PCR टेस्ट होंगे। अब्दुल कादिर पटेल का ये भी कहना था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है, 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का हलका मुबारक विलेज बीमारियों का गढ़ बन गया। मच्छरों की बस्ती को मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस सी की बीमारियों ने घेर लिया। हर दूसरे घर में मरीज, तिब्बी सहूलियात का फुकदान। गुज़श्ता 2 माह में बीमारियों से 7 अफराद हलाक। 2011 में कायम अली शाह ने यहाँ एक डिस्पेंसरी तो बनवा दी मगर इसमें न कोई डॉक्टर, न दवा, न ही इलाज की कोई सहूलत। बीमार मरीज गांव से 50 किलोमीटर का सफर तय करके कराची जाने पर मजबूर। महंगे इलाज और सफरी खर्चों की वजह से मुबारक विलेज का हर घर मकरूज। रिहायशियों का वफाकी वजीर सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए, जो फंड्स मिले कहां खर्च किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन से सवाल। 16 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बैलेट पेपर्स की छपाई और दीगर मदों में खर्च की। DG लॉ इलेक्शन कमीशन का जवाब। अदालत ने कहा क्यों ना ये रकम काबीना अरकान से रिकवर की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो काबीना अरकान से रकम की रिकवरी में अदालत की मामलत करेंगे। जस्टिस अरबाब ने कहा कि अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए जाया नहीं होने देंगे। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी पर अखराजात की तफसील तलब कर ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ दरख्वास्तें PTI के अली नवाज आवान और जमात इस्लामी के मियाँ असलम ने दायर की हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में क्लैशन को बर्दा। डाकुओं ने रेस्टोरेंट पर बैठे 20 से ज्यादा अफराद को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू रेस्टोरेंट पर आए। एक ने क्लैशन को दिखाई, दूसरा थैले में मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान भरता रहा। 5 स्टार चौरंगी में मेडिकल स्टोर में डकैती। मुलजमान ने मेडिकल स्टोर में एक शख्स से रकम और मोबाइल फोन छीने और स्टोर से सामान भी ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत को रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप खुद को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी बाहर से आए और बंदा मार के चला जाए। इस केस में सिर्फ पाकिस्तान का कानून चलेगा। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में 1 माह के दौरान नमूनिया से 175 बच्चे जाम बहक। 153 बच्चे खैबर टीचिंग अस्पताल, 12 लेडी लर्निंग अस्पताल और 10 बच्चे हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जाम बहक हुए। तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में नमूनिया से मुतासर 447 बच्चों को लाया जा चुका है। कौमी इदारों के खिलाफ तस्दीक आमेज बयान देने पर मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा सिर्फ नए केसेस की फौरी समाअत की इजाज़त देते हैं। शहबाज गिल ने सिंध में दर्ज मुकदमा का लदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है।
आमदन से जायद असासों का इल्जाम। एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। नथिया गली समेत गलियात के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाकों तोबा काकड़ी और कोखाजा के पहाड़ बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नजारे और हसीन हो गए। सिब्बी मस्तोंग और नौशकी में बारिश के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब में फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, कमालिया, टोबा, टेकसिंग समेत बेशतर शहरों में हल्की और तेज बारिश। कोयटा में बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। स्कर्दू मनफी 11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। अस्तोर मनफी 9, कालाम मनफी 8, गिलगित मनफी 6, मरी 0, इस्लामाबाद 1, कोयटा, लाहौर और पिशावर में 5, कराची 13, जबकि लेह में कम से कम दर्ज हरारत मनफी 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्या सरकारी डॉक्टर्स का काम मुजाहरे करना है? जो डॉक्टर मुजाहरे करे उसका तबादला करके दूर दराज भेज दें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा टीचिंग अस्पताल सहूलतें फराहम नहीं कर रहे। गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए इंस्पेक्शन रेगुलर कराने के इकदाम यकीनी बनाएं। हेल्थ केयर कमीशन प्राइवेट अस्पतालों में टेस्ट के रेट का तयन करे। कमीशन को शिकायत के अजाले के लिए मौसर निजाम बनाने की हिदायत। गवादर में हक़ और तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। मुख्तलिफ मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। गवादर में गुज़श्ता रोज से दफा 144 भी नाफिज। रैली, धरने और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। वज़ीर दाखला बलोचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा है कि हक़ दो तहरीक के तमाम मुतालबा तस्लीम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ मुश्तइल अफराद ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। शर्पसंदी की जाएगी तो कानून हरकत में आएगा। ख़वातीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों से मुतालिक बयान झूठ पर मबनी है। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सी पैक और दीगर तरक्याती मनसूबों से वाबस्ता है। सताए आवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे की फी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत जनवरी में 1500 रुपए थी, जो दिसंबर में 2500 रुपए तक पहुंच गई। 1 किलो घी 116 रुपए, दाल माश 98 रुपए फी किलो महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपए महंगा हुआ। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% पर पहुँच गई। 1 किलो प्याज 300 रुपए में भी फरोख्त हुआ। दूध, दही और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। विलियमसन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बेबसी की तस्वीर बना दिया। कराची टेस्ट के चौथे दिन विलियमसन ने डबल सेंचुरी बना डाली। 8वें नंबर के बैटर सोदी भी 65 रन बना गए। न्यूजीलैंड ने इनिंग्स 612 रन पर डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान पर 174 रन की बरतरी की बदौलत मैच पर मेहमान टीम की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए। स्पेशल बच्चों की फौजें सफर मौज की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देखने नेशनल स्टेडियम आमद। ग्रीन शर्ट्स में मलबूस स्पेशल बच्चों ने इंक्लोजर में मेला सा लगा दिया। ज्यादातर कप्तान बाबर आजम के मद्दाह निकले। पाकिस्तानी झंडा और बाबर आजम के प्ले कार्ड उठाए। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अक्सर बच्चों ने पहली बार स्टेडियम देखा, खुशी दीदनी थी। पाक भारत क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कराने के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से राबता। MCC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मेजबानी की ख्वाहिश की तस्दीक कर दी। कहा हालिया T20 वर्ल्ड कप का पाक भारत मैच 90,000 तमाशाइयों ने मैदान में आकर देखा था। पाक भारत टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के न्यूट्रल वेन्यू पर हो तो हजार हा तमाशाइयों के मैदान का रुख करने की उम्मीद है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। इंग्लैंड के सैम करन, भारत के सूर्य कुमार यादव और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी शामिल। विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार, भारत की स्मृति मंथना, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की ताहिया मेगरा को भी नामजद किया गया है।
कश्मीर पर भारतीय कब्जे और फौजी मजालिम के खिलाफ सीजफायर लाइन की तरफ पैदल मार्च जारी। वादी नीलम से 27 दिसंबर को पैदल चलने वाले काफले मुजफ्फराबाद की तरफ रवान दवा। मार्च के शुरुआत का अब तक 66 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं। आज तीसरे दिन अक़वामे मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन पहुंचेंगे। गर्म तरीन मुल्क कुवैत में जालाबारी, सहराई इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दारुल हुकूमत कुवैत सिटी में दर्जा हरारत नुकता इंजमात से गिर गया। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। अमेरिका में बर्फबारी के तूफान का जोर टूटने लगा। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो का जुमे से बंद एयरपोर्ट खोल दिया गया। महदूद पैमाने पर रेल सर्विस भी शुरू। चीन के शहर जेंगजू में शदीद धुंध के बायस हाईवे पर 200 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं। एक शख्स हलाक, कई जख्मी। पसूड़ी गाने से शोहरत पाने वाली पाकिस्तानी गुलुकारा शाय गिल की टाइम्स स्क्वायर पर धूम। शाय गिल की तस्वीर टाइम्स स्क्वायर पर सजा दी गई। मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप स्पॉटिफाई ने इक्वल पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शाय गिल को दिसंबर के लिए अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया।